आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में हमारे पास रॉबर्ट बॉयल, द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, इनको हम मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कहते हैं। ही डिस्कवर द गैसेस लॉ, ही इसने जो है गैसेस लॉ को डिस्कवर किया था। उसमें भी स्पेसिफिक जो है वो बॉयल्स लॉ को इसने डिस्कवर किया था। जे ब्लैक, ही डिस्कवर द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जे प्रेस्ले, ही डिस्कवर द ऑक्सीजन गैस। एंड शेली, ही डिस्कवर द क्लोरीन गैस। कैवेंडिश, ही डिस्कवर द हाइड्रोजन गैस। एंड लवाइजर, ही डिस्कवर द 21% ऑफ एयर इज ऑक्सीजन गैस। इसने बताया कि हमारे पास 21% ऑक्सीजन जो होती है वो एयर में मौजूद होती है। जॉन डाल्टन, ही प्रपोज एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। इसने एटॉमिक थ्योरी पेश की किसकी? मैटर की। उसके बाद गे लुसेक, ही डिस्कवर्ड वाटर इज़ कम्पोज ऑफ टू पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। इसने बताया कि जो वाटर है उसमें दो हिस्से यानी कि दो मोल्स हाइड्रोजन के होते हैं और एक मोल ऑक्सीजन का होता है। ही आल्सो डिस्कवर्ड केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड अदर गैसेस। एवोगाड्रो, ही प्रपोज द एवोगाड्रो लॉ। एंड ब्रेजिलियस, ही इंट्रोड्यूस द सेम बर्ल फार्मूला एंड केमिकल इक्वेशंस। मेंडलीव, ही डिस्कवर्ड पीरियडिक अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद आर्हेनियस, ही प्रपोज एसिड बेस थ्योरीज एंड आयन डिसोसिएशंस। एम फेरेडे, हिज कंट्रीब्यूशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जे जे थॉम्सन, ही डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एंड सत्येंद्र नाथ बोस, ही प्रपोज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अल्बर्ट आइंस्टाइन, ही प्रपोज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये जो दोनों साइंटिस्ट हैं इन्होंने बताया था कि मैटर की जो है फोर्थ स्टेट भी हो सकती है। एरिक कॉर्नेल, ही सिंथेसाइज द फर्स्ट बोर्न बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसने जो है वो फोर्थ जो हमारे पास स्टेट है मैटर की उसको सिंथेसाइज किया। कॉरल वेमेन, ही प्रोड्यूस फर्स्ट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसने भी जो है फोर्थ स्टेट जो मैटर की है उसको सिंथेसाइज या प्रोड्यूस किया। तो हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था द मॉडर्न पीरियड, इसको हमने आज डिस्कस किया। इंशाल्लाह कल हम ब्रांचेस पे बात करेंगे। और ये हमारे पास इंट्रोडक्शन जो है ये हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आगे जाकर जो चीज़ें हमने यहाँ पर डेफिनेशन में बताई हैं उनको आगे जाकर डीप में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।